नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर है, जिसके ऊपर कि हम एक वीडियो सीरीज करेंगे। ये पार्ट वन है उस वीडियो सीरीज का, जिसमें कि हम बैकग्राउंड और जो हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स हुए थे जिस कारण से ये स्पेशल लॉ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास हुआ था, उसके बारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये जो लॉ था प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये पारित हुआ था 2005 में। पर इससे पहले भी कई लॉज थी जो कि वुमेन के सेफ्टी के इशू के साथ डील करती थी, जैसे कि डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो कि 1961 में पास हुआ था, क्रूएल्टी को ऑफेंस बना दिया गया था 80s में, रेप की जो इंडियन पीनल कोड में जो धारा थी उसको और स्ट्रिक्ट बना दिया गया था, उसमें पनिशमेंट्स बढ़ा दी गई थी, और कस्टोडियल रेप जैसे ऑफेंसेस को भी पनिशेबल कर दिया गया था। तो ये सारी तमाम लॉज थी ऑलरेडी लॉ बुक्स में। इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से कि 2005 में ये एक नया लॉ पास करना पड़ा, आज के वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इंडिया में जो वुमेन मूवमेंट थी वो मेनली स्टार्ट हुई थी 1970s में। 1970s से एक ऐसी वेव चली थी जिससे कि वुमेन सेंट्रिक लॉज इंडिया में पास होनी स्टार्ट हुई थी। पर ये जो 1970s की जो वेव थी, इसके जो रूट्स थे, जो इसके बीज थे, वो स्टार्ट हुए थे 1920s में इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल से। काफ़ी लंबा इतिहास है वुमेन फ्रीडम वुमेन्स मूवमेंट का। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से। दोस्तों, भारत को स्वाधीनता दिलाने में हर पदक के लोगों का योगदान था, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर माना जाए तो योगदान था नारियों का, महिलाओं का। और इस फ्रीडम मूवमेंट में इनिशियली जो वुमेन एसोसिएशंस फॉर्म हुई थी वो इसलिए फॉर्म हुई थी, बहुत सारी लेडीज थी या जो औरतें थी उनको मोबिलाइज किया जाए और ऑर्गेनाइज किया जाए। तो ये जो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस बने थे फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, इनका मेन एम था मासेस इकट्ठा करना, लार्ज नंबर्स में औरतों को इकट्ठा करना। ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं थी जिसमें कि नारी अपना राइट के लिए लड़ती थी या जो वुमेन थे वो अपने राइट्स के लिए, अधिकार के लिए कोई गुहार लगाती थी, ऐसी कोई ये एसोसिएशंस नहीं थी। ये जो वुमेन एसोसिएशंस थी ये बेसिकली इसलिए फॉर्म हुई थी कि ये जो लेडीज थी या जो वुमेन थी इनको मोबिलाइज किया जाए और ऑर्गेनाइज किया जाए फ्रीडम स्ट्रगल के लिए। इसी दौरान कई लोकल वुमेन एसोसिएशंस बनी, जैसे कि भारत स्त्री महामंडल और आर्य महिला समाज। पर ये एसोसिएशंस जो थी ये वुमेन को जनरली ट्रेनिंग देती थी स्विंग में, बच्चों को संभालने का, चाय वगैरह बनाने का, स्टिचिंग करने का, ऐसी ट्रेनिंग्स दी जाती थी इन एसोसिएशंस में। इनका रोल बेसिकली लिमिटेड था कि वुमेन को हेल्प करना है अपने जो हस्बैंड्स हैं उनको फ्रीडम स्ट्रगल में। तो 1920s में वुमेन का एक एक्टिव रोल नहीं था, बहुत ही पैसिव रोल था इन फ्रीडम स्ट्रगल। तो वुमेन का जो एक्टिव पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में हुआ था इंडिया में, वो हुआ था जब पॉपुलर मूवमेंट्स जैसे कि स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारी मूवमेंट्स जब बहुत ही पीक पर थी तब वुमेन का एक्टिव पार्टिसिपेशन हुआ था, और तब वुमेन को इनकरेज किया जाता था कि वो खुल करके बाहर आए और एक्टिव पॉलिटिक्स में योगदान दें। पर जब इंडिया को आज़ादी मिल गई 1947 में, जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद हमारे लॉ बुक्स में काफ़ी ऐसी लॉज आई जहां पे वुमेन को इक्वल राइट दी गई, पर ये सारे फ्यूटाइल हो गए, मीनिंगलेस हो गए, क्योंकि एक बार जब फ्रीडम स्ट्रगल ख़त्म हुई, वही जो पुराने तरीके से चलते आ रहा था इंडिया का जो सोशियो ट्रेडिशनल सेटअप है, जो इंस्टीट्यूशन से जैसे चलते आ रहे थे वो दोबारा से वैसे ही चलने लगे। और इसी वजह से जो इक्वालिटी जो लॉ में वुमेन को दी गई थी उनको एम्पावर करने के लिए, वो बस लॉ बुक्स में सिमट कर रह गई, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। तो दोस्तों, 1947 से लेके 1970s तक इक्का दुक्का इधर उधर की मूवमेंट्स चलती रही, पर कुछ इम्पॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कि वुमेन मूवमेंट को कुछ बहुत ही हेल्प मिलती या सपोर्ट मिलती। पर 1970s में कुछ ऐसी घटनाएं हुई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिससे कि वुमेन मूवमेंट
को बहुत ही बड़ा पुश मिला और बहुत सारे वुमेन सेंट्रिक लॉज या लॉज जो कि वुमेन के वेलफेयर के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए और उनके प्रोटेक्शन के लिए थे, वैसे लॉज पास होने स्टार्ट हो गए। दोस्तों 1970 में यूनाइटेड नेशंस, जिसको कि हम संयुक्त राष्ट्र भी बोलते हैं, उसने इंडियन गवर्नमेंट को एक कमिटी गठित करने को कहा और कहा कि वो एक रिपोर्ट तैयार करे, जो कमिटी गठित होगी वो एक रिपोर्ट तैयार करे जिसमें कि इंडिया में वुमेन का क्या स्टेटस है, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में, लीगल लाइफ में, पब्लिक लाइफ में इंडियन वुमेन का क्या स्टेटस है, इस पर एक रिपोर्ट बना करके यूनाइटेड नेशंस को जमा करें। उसके बाद 1974 में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड वेलफेयर ने एक रिपोर्ट बनाई जिसका नाम था टूवर्ड्स इक्वालिटी। ये जो 1974 की रिपोर्ट थी टूवर्ड्स इक्वालिटी, इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी दी गई थी जिससे कि पता लगता था कि इंडिया में वुमेन का जो स्टेटस है वो कुछ खास अच्छा नहीं है। ये रिपोर्ट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, इस रिपोर्ट को आप पढ़िएगा, काफ़ी लेंथी रिपोर्ट है, बल्कि रिपोर्ट है और बहुत सारे पहलुओं के साथ इन्होंने डील किया है। तो ये जो रिपोर्ट थी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स दी गई थी, उसमें से कुछ प्रमुख फाइंडिंग्स ये हैं कि ये रिपोर्ट जो कि 1974 में पब्लिश हुई थी, इसमें ये कहा गया था कि वुमेन का जो स्टेटस है इंडिया में 1911 से काफ़ी ज़्यादा डिटोरियोरेट हो गया है। सेकेंडली इस रिपोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट एक फाइंडिंग दी थी, वो ये थी कि इंडिया के जो ट्रेडिशनल और सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशंस थे वो वुमेन को ओपनली पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करने नहीं दे रहे थे। और थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग थी वो ये थी कि जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट था 1961 का, वो बुरे तरीके से फेल हो गया है। तो इन प्रमुख बिंदुओं पे इस रिपोर्ट ने अपनी फाइंडिंग दी थी। इसके अलावा काफ़ी सारी फाइंडिंग्स है, बट हमारे आज के डिस्कशन के लिए ये तीन फाइंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस रिपोर्ट ने कड़ी तौर से निंदा की थी कि इंडिया में जो वुमेन का स्टेटस है, और उसके लिए काफ़ी रिकमेंडेशंस भी दी थी कि इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए। उसमें से एक रिकमेंडेशन ऐसी थी कि जो लॉज हैं इंडिया में वो थोड़ा वुमेन फ्रेंडली हों और वुमेन के प्रोटेक्शन, सेफगार्ड और वेलफेयर के लिए लॉज पास हों। दोस्तों 70 का दशक ऐसा था कि जहाँ पर मीडिया में वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस होती थी उसको काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट भी किया गया था, इंसिडेंट्स भी काफ़ी बढ़ गए थे और उसकी रिपोर्टिंग भी सही तरीके से हो रही थी, जिससे कि एक माहौल बन पाया जहाँ पर कि एक पब्लिक ओपिनियन बनी कि वुमेन सेंट्रिक लॉज या वुमेन के लिए जो प्रोटेक्शन और वेलफेयर के लिए जो लॉज है वो बननी चाहिए। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आने लगी जहाँ पर कि न्यूली वेड ब्राइड्स, उनको जला दिया जाता था या मार दिया जाता था। फिर एक इम्पॉर्टेंट केस जो इस दौरान आया था वो था शाह बानो का केस, उसने भी नेशनल जो अटेंशन है मीडिया में उसने काफ़ी ज़्यादा गेन की। फिर एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट केस था जिस वजह से काफ़ी लॉज बाद में पास हुई जो कि वुमेन के वेलफेयर के लिए और प्रोटेक्शन के लिए थी, वो था मथुरा रेप केस। तो ये जो मथुरा रेप केस था ये इंसिडेंट था महाराष्ट्र का, और इसमें जो विक्टिम थी वो थी एक डोमेस्टिक सर्वेंट, एक मेड जिसका नाम था मथुरा। ये मथुरा जो थी ये काम करती थी एक लेडी के घर पे जिसका नाम था नूशी। नूशी का जो भांजा था अशोक, उससे मथुरा का अफेयर था। अशोक की मर्जी थी कि वो मथुरा से शादी कर ले। मथुरा ने अपने ब्रदर को घर जाके कहा कि अशोक मेरे से शादी करना चाहता है। उसके ब्रदर को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। उसके ब्रदर ने क्या किया कि वो सीधा चला गया थाने, पुलिस स्टेशन चला गया, और पुलिस स्टेशन जाकर के उसने रिपोर्ट किया। मथुरा आदिवासी जाति को बिलोंग करती थी और एक ट्राइबल गर्ल थी। तो उसके ब्रदर ने पुलिस स्टेशन में जाकर के कहा कि मेरी जो सिस्टर है उसको किडनैप करने का अटेम्प्ट कर रहे हैं अशोक और उसकी फैमिली। और पुलिस ने अशोक को और उसकी फैमिली को और साथ ही मथुरा और उसके ब्रदर्स को बुला लिया थाने में। अब थाने में अशोक और उसकी फैमिली की थोड़ी बहुत पूछताछ करके पुलिस ने उनको जाने दिया। अशोक की फैमिली जब चली गई तो मथुरा की फैमिली को भी उन्होंने जाने को कहा, पर सिर्फ मथुरा को पुलिस ने कहा रूम में रुकने को। जब मथुरा की फैमिली पुलिस स्टेशन से बाहर वेट कर रही थी, उसी दौरान जो दो पुलिस कांस्टेबल थे उन्होंने मथुरा का उसी पुलिस स्टेशन में रेप कर दिया। जब ये मथुरा के घर वालों को पता लगा तो मथुरा के घर वालों ने और भी लोगों को बुला लिया, रिलेटिव्स को बुला लिया, बुला करके उन्होंने धमकी दी कि वो पुलिस स्टेशन को जला देंगे। जब ये धमकी दी गई उसके बाद जो दो पुलिस कांस्टेबल थे उन्होंने वहां पर पंचनामा तैयार किया। तो जब ये इंसिडेंट को ट्राई किया गया सेशंस कोर्ट में, तो सेशंस कोर्ट ने उन दोनों पुलिस कांस्टेबल्स को अक्विट कर दिया, उनके खिलाफ कोई सजा नहीं
सुनाई ना ही उन्हें दोषी पाया गया। सेशंस कोर्ट ने उन दोनों पुलिस कांस्टेबल्स को बाइज्जत बरी करते हुए ये कहा कि मथुरा वॉज हैबिचुअल टू सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेकेंडली सेशंस कोर्ट ने कहा कि सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रूफ हुआ है, रेप प्रूव नहीं होता। और थर्डली सेशंस कोर्ट ने यह भी फाइंडिंग दी कि जो कंसेंट था मथुरा की तरफ से वो वॉलेंटरी था। तो इन फाइंडिंग्स के आधार पे सेशंस कोर्ट ने उन दो पुलिस कांस्टेबल्स को एक्विट कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। अपील में ये मैटर गया बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच में। नागपुर बेंच ने उन दोनों कांस्टेबल्स को दोषी पाया और एक के खिलाफ 1 साल की सजा दी और दूसरे के खिलाफ 5 साल की सजा सुनाई। हाई कोर्ट ने फाइंडिंग दी कि पैसिव सबमिशन, जो कि फियर ऑफ डेथ या बॉडीली इंजुरी से प्रोक्योर किया हो, उसे कंसेंट नहीं माना जाएगा। तो जो पुलिस कांस्टेबल्स थे उन्होंने अपील फाइल की सुप्रीम कोर्ट में। ये जो इंसिडेंट था ये था 1972 का और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते साल हो गया था 1979। सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली 1979 में अपना वर्डिक्ट सुनाया और उन दो पुलिस ऑफिसर्स को एक्विट कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच ने जो फाइंडिंग दी वो थी कि मथुरा के बॉडी पे कोई बॉडीली मार्क नहीं था। सेकेंडली कि मथुरा वॉज यूज टू सेक्शुअल इंटरकोर्स बिफोर मैरिज। और तीसरा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिकॉज मथुरा वॉज यूज टू सेक्शुअल इंटरकोर्स, ऐसा भी हो सकता है कि मथुरा ने खुद ही पुलिस वालों को इंस्टिगेट किया हो रेप करने को या उसके साथ सेक्स करने को। ये जो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग थी इसको बहुत ही सिवियरली, कड़े तरीके से इसकी निंदा हुई, बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया, इस पर बहुत डिबेट्स हुए, बहुत ही डिस्कशंस हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 3 प्रोफेसर्स और पुणे की एक प्रोफेसर ने सुप्रीम कोर्ट को एक ओपन लेटर लिखा जिसमें कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इस डिसीजन की कड़ी निंदा की और उन्होंने ये भी कहा कि कंसेंट इन्वॉल्व सबमिशन बट द कॉन्ट्ररी इज नॉट नेसेसरीली ट्रू। और इसी ओपन लेटर में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह भी क्वेश्चन किया कि क्या ये जो टैबू है प्री मैरिटल सेक्स का, क्या ये इतना बड़ा है कि ये पुलिस को किसी के साथ भी गैंगरेप करने का एक ओपन लाइसेंस दे देता है। काफ़ी विमेन ग्रुप भी फॉर्म हुए, काफ़ी एनजीओस फॉर्म हुई इस दौरान, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की इस डिसीजन को बहुत ही क्रिटिसाइज किया। और इसका फॉलोअप ये था कि सरकार को इवेंचुअली जो रेप लॉ थी उसको अमेंड करना पड़ा टू प्रोवाइड सेफ्टी टू विमेन। तो इवेंचुअली 1983 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईपीसी को अमेंड किया और सेक्शन 376 जो कि पनिशमेंट फॉर रेप के साथ डील करता था उसमें कस्टोडियल रेप को भी पनिशेबल बनाया गया, उसको भी एक ऑफेंस बनाया गया, उसे पनिशेबल बनाया गया और उसकी जो सज़ा थी मिनिमम पनिशमेंट उसमें 10 साल की कर दी गई। इनिशियली कस्टोडियल रेप को डिफाइन नहीं किया गया था आईपीसी में, बट इस इंसिडेंट के बाद कस्टोडियल रेप को डिफाइन किया गया आईपीसी में और इसकी सज़ा को काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया गया। रेप की सज़ा वैसे 7 साल की थी आईपीसी में ओरिजिनली, बट आफ्टर दिस इंसिडेंट कस्टोडियल रेप की मिनिमम पनिशमेंट 10 ईयर्स की कर दी गई। इंडियन एविडेंस एक्ट को भी अमेंड किया गया और सेक्शन 114A को इंसर्ट किया गया और विक्टिम की स्टेटमेंट कि शी डिड नॉट कंसेंट टू हैविंग अ सेक्सुअल इंटरकोर्स, इस स्टेटमेंट को एक रिबटेबल प्रिजम्पशन बनाया गया। अक्सर ऐसा होता है कि जो गिल्टी, जो अक्यूज्ड होता है, ही इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन अदरवाइज, पर रेप के केस में इसको उल्टा कर दिया गया। जो गिल्टी था उसको बर्डन को डिस्चार्ज करना होता था ये प्रूव करने के लिए वो गिल्टी नहीं है। इसे रेप के लॉज को स्ट्रिक्ट बनाने के लिए किया गया था। 376 को अमेंड करके रेप के लिए तो लॉज को स्ट्रिक्ट कर दिया गया, पर जो घर में जो वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस होती थी जिसको कि हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं, उसका इशू अभी भी एड्रेस नहीं हुआ था। इसको एड्रेस करने के लिए एक और अमेंडमेंट हुई आईपीसी में जिसमें कि 498A को इंसर्ट किया गया और 304B को इंसर्ट किया गया। 498 डील करता था क्रूएल्टी के साथ, हस्बैंड या हस्बैंड का कोई भी रिलेटिव अगर वाइफ के साथ क्रूएल्टी करता है तो दैट बिकेम पनिशेबल, और 304B डील करता था डाउरी डेथ्स के साथ। तो ये भी 1983 और 1986 में अमेंडमेंट्स की गई आईपीसी में और इसको भी इंसर्ट किया गया। और इसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस लॉज के जो बीच थे हमारे लॉ बुक्स में फर्स्ट टाइम उसे बोए गए। इससे पहले डोमेस्टिक वायलेंस, घर पे जो वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस होता है, उसके लिए कोई लॉज नहीं थी, जनरल लॉज थी और उसके उसमें रिलीफ पाना या पनिश करना ऑपरेसर को बहुत मुश्किल होता था। तो ये जो आईपीसी में सेक्शंस 498A और 304B को इंसर्ट किया गया था, इससे फॉर द फर्स्ट टाइम डोमेस्टिक वायलेंस को
पनिशेबल बनाया गया था। पर 498A और 304B को IPC में इंसर्ट करने के बावजूद भी ये इफेक्टिव साबित नहीं हुए। इसके कई रीजंस थे। एक तो ये सेक्सुअल और इकोनॉमिक ऑफेंसेस के साथ डील नहीं करता था, ये केवल फिजिकल वायलेंस के साथ डील करता था। दूसरा कि लेडी के साथ या वुमन के साथ जो नेटल होम, जो उसका जिसको हम माइका कहते हैं, वहां पर उसके साथ जो वायलेंस होती थी उसके साथ भी डील नहीं करता था। उसके अलावा जो क्रूएल्टी के केसेस थे वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट से फैमिली कोर्ट में शिफ्ट कर दिए गए, ताकि डिवोर्स के मेंटेनेंस के केसेस के साथ ही ये क्रूएल्टी के केसेस जो हैं 498A के केसेस जो हैं ये उसके साथ ही डिसाइड किए जाएं। अब मैजिस्ट्रेट कोर्ट से जब फैमिली कोर्ट चले जाता है तो केस को डील करने का पूरा तरीका ही बदल जाता है। 498A को पनिशेबल इसलिए किया गया था क्योंकि उसे क्रिमिनल ऑफेंस की तरह डील करना था, पर व्हेन इट गेट्स शिफ्टेड टू फैमिली कोर्ट, जब वही केस जो कि आईपीसी में है वो फैमिली कोर्ट में शिफ्ट हो जाता है, तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है केस का वो डिफरेंट होता है, क्योंकि फैमिली कोर्ट्स का मेन उद्देश्य होता है सेटलमेंट कराना फैमिली को, ताकि दोबारा से वापस से अगर डिस्प्यूट्स है तो उनको वापस से एक साथ लाना। वो ज़्यादा कॉन्सिलिएटरी और सेटलमेंट वाला अप्रोच अपनाते हैं, और मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स होते हैं क्रिमिनल कोर्ट्स, वो ज़्यादातर पनिशमेंट का अप्रोच अपनाते हैं। तो जब ये क्रूएल्टी के केसेस को मैजिस्ट्रेट कोर्ट से फैमिली कोर्ट्स में शिफ्ट कर दिया गया, तो 498A की जो एफिकेसी थी, जो उसका एक स्ट्रिक्ट प्रोविजन था, वो उसकी स्ट्रिक्टनेस चली गई। और उसके अलावा एक और बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि 498A को 498 के तहत जो वाइफ के अगेंस्ट क्रूएल्टी होती थी उसे पनिशेबल तो बना दिया, बट वाइफ्स को रिपोर्ट करने के लिए वही पुलिस स्टेशन जाना होता था जहां पर कि उन्हें डील करना होता था पुलिस के साथ, जो कि उनकी कंप्लेंट्स लेने में कई बार आनाकानी करते थे, कोऑपरेट नहीं करते थे। और सेकेंडली जो पुलिस फोर्स होती है वो जनरली इन्वेस्टिगेटिव पर्पसेस के लिए ट्रेंड होती है, ऐसे जो सेंसिटिव मैटर्स होते हैं जहां पर कि डिस्प्यूट होता है फैमिली के अंदर, हस्बैंड वाइफ या वाइफ का फैमिली मेंबर्स के साथ या वाइफ का हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स के साथ, पुलिस इन सारी चीज़ों के लिए ट्रेंड नहीं होती है, जिस वजह से 498A बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी प्रूव नहीं हुई। इसी के तहत 2005 में सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की एक स्टडी आई थी जिसमें कि ये पाया गया था कि आउट ऑफ 100 केसेस जो कि सेक्शन 304B और 498A के थे, 100 केसेस में से सिर्फ 2 केसेस में कन्विक्शन होती थी, और ये भी 2 केसेस ऐसे थे जिसमें कि विक्टिम की डेथ हो गई होती थी। सो सिर्फ 2% कन्विक्शन रेट था डाउरी डेथ और क्रूएल्टी के केसेस में, और ऐसा नहीं था कि इन केसेस की रिपोर्टिंग नहीं हो रही थी, बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होते थे बट इवेंचुअली उसमें कन्विक्शन नहीं हो पाता था। तो सेक्शन 498A हैड फेल्ड मिजरेबली टू प्रोवाइड सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन टू विमेन। तो डिस्पाइट बेस्ट एफर्ट्स, जब विमेन की जो प्रोटेक्शन की लॉस थी उसकी एफिकेसी प्रूव नहीं हो पाई, तो विमेन ग्रुप ने फिर से एक आंदोलन स्टार्ट किया, उन्होंने फिर से एक अटेम्प्ट स्टार्ट किया कि लॉस को फिर से मोल्ड किया जाए या बनाया जाए जिससे कि वुमेन को प्रोटेक्शन मिले, उनकी सेफ्टी इंश्योर की जाए। इन ग्रुप्स ने सेक्सुअल ऑफेंसेस, साइकोलॉजिकल जो ऑफेंसेस थे, इकोनॉमिक ऑफेंसेस थे जो वुमेन के अगेंस्ट, उसके लिए भी लॉस बनाने की डिमांड करी। इसका आउटकम ये था कि 1994 में लॉयर्स कलेक्टिव जो कि एक एनजीओ है, उन्होंने एक ड्राफ्ट बिल तैयार किया, और ये ड्राफ्ट बिल का ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस डोमेस्टिक वायलेंस लॉ अ क्रिमिनल ऑफेंस, इसमें बहुत ज्यादा एम्फेसिस था वुमेन की प्रोटेक्शन को लेकर के, तो इसको एक सिविल लॉ के दायरे में डील किया गया था। ये डोमेस्टिक वायलेंस का जो इशू था इसको एक सिविल लॉ के दायरे में डील किया गया था इस बिल में। और पास्ट एक्सपीरियंस से ये भी क्लियर था कि अगर इसको क्रिमिनल ऑफेंस बना देते तो विक्टिम को फिर दोबारा पुलिस स्टेशन जाना पड़ता, और डिस्पाइट बेस्ट इंटेंशंस ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी प्रूफ नहीं हो पा रही थी, जिसमें कि विक्टिम को थाने जाना पड़ता और तमाम प्रोसीजर्स में उलझ के रह जाना पड़ता था। तो ये जो बिल था जो कि लॉयर्स कलेक्टिव ने बनाया था 1994 में, इसका फर्स्ट ड्राफ्ट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के पास सबमिट किया गया था। 2002 में जो एनडीए सरकार थी, बहुत डेलिब्रेशन के बाद उन्होंने इसको पार्लियामेंट में इनिशिएट किया था, इंट्रोड्यूस किया था,
पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होने के बाद ये बिल स्टैंडिंग कमेटी के पास गया और साथ ही साथ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के रिकमेंडेशंस भी मांगे गए। जब ये बिल पार्लियामेंट में पेंडिंग था 2004 में एनडीए की गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई और उसकी जगह आई यूपीए की गवर्नमेंट। जब यूपीए की सरकार पावर में आई तो जून 2005 में इस बिल को कैबिनेट अप्रूवल मिला आफ्टर बीइंग पास बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट और फाइनली 26 अक्टूबर 2006 को ये बिल इफेक्टिव हुआ, इम्प्लीमेंट हुआ, जिसका नाम था प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। दोस्तों, ये लॉ अपने आप में बहुत रेवोल्यूशनरी था क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इस लॉ ने डोमेस्टिक वायलेंस को डिफाइन किया था। फॉर द फर्स्ट टाइम इस लॉ ने प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन को सबसे ऊपर रखा था, सर्वोपरि रखा था। और इस लॉ के इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, ऐसे ही इम्पोर्टेंट लीगल डिस्कशंस के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके सुझाव हों, अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर डिस्कस करें, आप उसको कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। उसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज हों वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी सारी क्वेरीज को हम जल्द से जल्द आंसर करें। टेक केयर फ्रेंड्स, गुड बाय।